हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज मसालेदार इडली बनाने जा रही हूँ। अब मैं आपको सामान बताती हूँ जो जो इसमें पड़ना है। एक गांठ है छोटी सी अदरक की और एक गांठ लहसुन की, दो टमाटर हैं और तीन हरी मिर्चें हैं। अपने हिसाब से डालना, कोई तीखा खाता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। और चार प्याज डाल रही हूँ इसमें, एक कटोरी दही की और एक कटोरी सूजी की, इसको रवा भी बोलते हैं, और इनो है। इनो मैं जब इसको इसमें डालेंगे उसमें फिर मैं बताऊँगी कितना डालना है। अब मैं सूजी को थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, थोड़ा सा दो चमचे घी डालकर इसको रोस्ट करूंगी। इसको मैं रोस्ट करूंगी। अब मैंने सूजी रोस्ट कर ली है, अब थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी और एक कटोरी दही की डालूंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। अब ये अगर ये गोल तैयार हो गया है, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखती हूँ। अब मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इन सब प्याज टमाटर और सब सामान को धो लेती हूँ, अच्छी तरह से धो लेती हूँ और धोकर छोटा छोटा काट लेती हूँ। अब मैं प्याज, लहसुन प्याज, अदरक की और सबको मिलाकर पेस्ट बना लेती हूँ।
अब मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है, अब थोड़ी देर में भूनूंगी। अब 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इनो डालने लगी हूँ। आधा चमचा इनो डालूंगी। एक तरफ ही हिलाना है, दूसरी तरफ नहीं हिलाना। जैसे मैं हिला रही हूँ ऐसे ही हिलाना है एक तरफ में। इसमें तेल लगा लो। अब मैं इसमें भरने लगी हूँ। तो मैंने इसमें पानी पहले गर्म कर लिया, फिर इसके ऊपर मैंने इसको रखा है। अब इसको ढक्कन दे दूंगी। मैंने रख दिया नीचे, इसके गर्म पानी है, उसके ऊपर वो इडलियां बन रही हैं। और अब मैं बंद कर रही हूँ और 3 मिनट 30 सेकेंड इस ओवन में लगेंगे। अब गाइस मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। एक कड़छी मैंने गाइस तेल डाला है, जहाँ आप रिफाइंड डाल लो, जो भी आपकी मर्जी है वो डाल सकते हैं। मैंने तो सरसों का तेल डाला है। 10-12 पत्ते ककड़ी पत्ता है और ये सरसों के दाने हैं 1 चम्मच। अब मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता अब भून गया है। अब मैं सरसों के दाने डाल रही हूँ। अब गर्म मैं मसाला डाल रही हूँ। और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। ये बन गई है, अब मैं निकाल रही हूँ। ये देखो कितनी सुंदर बनी है, कितनी फूली फूली बनी है। देखो गाइस कितनी सुंदर बनी है। अब मैं मसाले में डालूंगी।
अब मैं मसाले में डालूंगी। वो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, लाल लाल। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मैं इसमें गरम गरम मसाला ऐड करूंगी। और अब थोड़ा सा धनिया, और गैस को बंद कर दूंगी। अब हम आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। तो इडली जो है वो बहुत टेस्टी है, और इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। बाय, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड मैरी क्रिसमस। ये भी बता देना कि हम और कौन सी रेसिपी बनाएं, जो भी आप बताओगे वही हम बनाएंगे और खिलाएंगे। ओके, नमस्ते जी। हेलो गाइस, आई एम बैक। तो आज मैं फिर से टेस्टिंग करने जा रही हूँ जो मेरी दादी ने बनाई है, मसाला इडली। और टेस्टिंग के साथ साथ आज मैं आपको मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी, और उसकी भी मेरी तो पार्टी हो गई। हमारे पास सॉस भी है और जूस भी है। पहले सॉस डाल लेती हूँ। अब हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये पहला आपके लिए, अब आप खाकर बताना कि कैसी बनी है। वाह, बहुत सुंदर बनी है, बहुत सुंदर बनी है, बहुत टेस्टी। सच में बहुत टेस्टी है। टेस्टी है।